बसमीम्स अल्लाम वरम् कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कोर एस टी एम सी फोर्टी टू सबसे पहले इसके लिए रिक्वायर्ड अप्रेटस कोर ड्रिलिंग मशीन डायमंड इम्प्रेगनेटेड बिट ड्रिल मशीन एंड रॉ प्लग्स स्पेसीमन कटिंग मशीन स्केल मेयरिंग टेप कैपिंग अप्रेटर्स एंड मटेरियल आर बेरिंग प्लेट्स एंड पैड्स प्रोसीजर सबसे पहले कोर मशीन को आपने फ़िक्स करना है जिस स्ट्रक्चर के आप कोर टेस्ट लेना चाहते हैं अगर वाल है तो इस तरह वो फिक्स होगी मशीन और अगर आप किसी स्लैब या बीम का लेना चाहते हैं अपवर्ड पोजीशन से तो उसके लिए आप इस तरह मशीन को फिक्स करेंगे और मशीन आपने ऐसे फिक्स करनी है कि जो आपका कटिंग बिट है ये कम से कम छः इंच एज से या जॉइंट से दूर कटिंग करें यानी आप जो कोर काटेंगे वो जॉइंट से कम से कम छः इंच या एज से दूर होना चाहिए अब ये जो वाल्व लगा हुए है इसके साथ पेट काक है इसके साथ आप अटैच करेंगे वाटर लाइन को और इसको ओपन कर देंगे और उसके बाद आप मशीन को सरफेस की तरफ आप ड्रिल बेड को मूव करना शुरू करेंगे बिल्कुल स्लो मोशन पे इसको आप कंक्रीट की सरफेस में एंटर करते जाएंगे कटिंग होती जाएगी और जब आप कटिंग कंप्लीट कर लें कोर आप काट लें उसके बाद रिवर्स मूव करना है मशीन को सेम उसी स्पीड में जिसमें आपने कटिंग की है ताकि कोर आपकी डैमेज ना हो अब कोर की ट्रिमिंग करेंगे ताकि जो इसकी सरफेस है वो प्लेन हो जाए साइडों से इसको ट्रिम करके उसके बाद इसकी लेंथ मेयर करेंगे हम कि कितनी लेंथ है इसकी अगर आप ऐसी कंक्रीट से कोर ले रहे हैं जो सिलेंडर स्ट्रेंथ पर डिज़ाइन किया गया है मिक्स तो उसके लिए आपको क्रेक्शन फैक्टर्स चाहिए होंगे अगर आपके कंक्रीट कोर जो है वो 1.75 से कम है तो उस पर कुरेक्शन फैक्टर लगेगा अगर इससे ज़्यादा है तो नहीं लगेगा आ, अगर 2.1 से ज़्यादा है तो आप इसको कट करके 1.9 से 2.1 की रेशो में लेके आएंगे अगर कोर की लेंथ उसके डायमीटर का 95% परसेंट है कैपिंग करने से पहले या कैपिंग करने के बाद अगर कोर की लेंथ डायमीटर के कम से कम बराबर नहीं होती तो वो कोर आप टेस्ट नहीं करेंगे उसको स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट नहीं किया जाएगा वो रिजेक्टेड है टेस्ट के लिए अगर ये देखें 1.75 पॉइंट रेशो इसकी आ रही है लेंथ डायमीटर रेशो तो उसकी स्ट्रेंथ पे क्रेक्शन फैक्टर लगेगा 0.98 अगर 1.5 आ रही है तो 0.96 पॉइंट नाइन सिक्स उस पर क्रेक्शन फैक्टर लगेगा अगर 1.25 है तो 0.93 पॉइंट फैक्टर लगेगा और अगर इक्वल है लेंथ और डायमीटर दोनों इक्वल है और वो अमेरिकन स्टैंडर्ड पर किए गए मिक्स डिज़ाइन को रिप्रेजेंट कर रही है यानी सिलेंडर टेस्ट को तो फिर आप उसको 0.87 से मल्टीप्लाई करेंगे जो स्ट्रेंथ उसकी क्रेक्शन के बाद आएगी वो एक्चुअल स्ट्रेंथ होगी उसकी अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोर आपने कंपेयर करनी है स्टैंडर्ड क्यूब स्ट्रेंथ बेस्ड कंक्रीट से यानी उस कंक्रीट से जिसका मिक्स डिज़ाइन ब्रिटिश स्टैंडर्ड को फॉलो करके किया गया है 9.4 सेंटीमीटर डाया होता है अमूमन कोर का जो नॉर्मली हम लेते हैं आपने उसकी हाइट जो है वो ट्रिम करके बिल्कुल उसके इक्वल कर लेनी है जो उसका डायमीटर है डायमीटर के बिल्कुल इक्वल हाइट होगी और कोई क्रेक्शन फैक्टर नहीं लगेगा उस पर सेम जो स्ट्रेंथ कोर की आएगी वही क्यूब के इक्वल होगी कैपिंग के लिए एस टी एम सी सिक्स वन सेवन को फॉलो करें इसकी वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ वहाँ से आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड तरीका है कैपिंग करने का वो क्या है कंप्रेशन टेस्ट करने के लिए ए एस टी एम सी थर्टी नाइन को फॉलो कीजिए इसका लिंक एंड स्क्रीन में दे रहा हूं वहां से आप देख सकते हैं कैलकुलेशन एंड रिपोर्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कोर सैंपल टेस्ट स्टैंडर्ड ए एस टी एम सी फोर्टी टू रिपोर्ट की हेडिंग आ गई नीचे इंफॉर्मेशन जो मेन आएगी प्रोजेक्ट की उसमें डेट ऑफ सैंपलिंग डेट ऑफ टेस्टिंग कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर लोकेशन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर और डेट ऑफ कंक्रीट पोरिंग ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी होगी या आपने प्रोजेक्ट के मुताबिक आप कुछ चेंजिंग भी इसमें कर सकते हैं स्पेसिंग रेफरेंस कोर नंबर वन टू थ्री और उसके बाद कोर सैंपल लेंथ ये लेंथ आ गई इसकी ट्रिमिंग के बाद की और कैप्ड लेंथ जो कैपिंग आपने की है उसके बाद की लेंथ ये यहाँ पे हम लिख लेंगे इसमें उसके बाद एवरेज डायमीटर उसका चूंकि कोर कटिंग जो है वो स्पेसिफाइड एक बेट है उसी से होती है तो वो फिक्स है 94 मिलीमीटर मिली मीटर सेंटीमीटर होता है वो इंटरनल डायमीटर उसका वेट इन केजी इसके बाद वालीम इसका कैलकुलेट कैसे किया है सेम वही सिलेंडर वाला ए एस टी एम सी थर्टी नाइन वाली कैलकुलेशन है सारी वॉलीम एरिया सब उसी तरह कैलकुलेट होगा सिर्फ इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो मैंने पहले बताई है आपको लेंथ डायमीटर मीटर रेशो के हिसाब से कुरक्शन फैक्टर वो इसमें लगेगा ये रिपोर्ट मैं एक्सेल शीट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू